पाकिस्तान में पहली बार अब आपको मिलने वाले हैं लाइव कुकिंग के मजे, वो भी आपकी टेबल पर, यानी अपनी टेबल पर ही। अपनी मर्जी से आप खुद बनाएंगे अपनी डिश। ऐसा यूनिक आइडिया, ऐसे जायकेदार मजेदार खाने और इंतहाई खूबसूरत रेस्टोरेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जिसका नाम है कैफे हवाई। तो बाकी सारी मालूमात देखिए आगे वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लेकर आया हूँ कराची का एक वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैफे हवाई, जिसका एम्बियंस और जिसका टेस्ट कराची में आजकल वन ऑफ द बेस्ट कंसीडर किया जा रहा है। तो चले ऐसे करते हैं कि इस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और आपको पूरा रेस्टोरेंट का विजिट करवाऊंगा और इनके जो खानों के टेस्ट है वो भी चेक करेंगे। आए मेरे साथ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इस कैफे हवाई में इंटर होते हैं ना, तो सबसे पहले जो आपके इस्तकबाल करते हैं वो यहाँ के खूबसूरत तरीन पैरेट हैं, जो कि काफी गुड लुकिंग है और इनके साथ पिक्चर वगैरह लेने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो माशाल्लाह जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहले तो आप अपना नाम बताएं हमें। मोहम्मद अरसलान। अरसलान भाई, कैफे हवाई, आप मुझे सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कितना टाइम हुआ है इसको ओपन हुए? इसको अराउंड 6 मंथ हो गया तकरीबन। अच्छा, तकरीबन 6 मंथ हो गया। मुझे सिटिंग एरिया को और अपने एम्बियंस का बताएंगे। माशाल्लाह से जो इसका नाम आपने रखा है कैफे हवाई, तो काफ़ी जहाँ पे इसकी प्लांटेशन भी बहुत अच्छी करी गई है, बाहर सिटिंग एरिया भी है, नीचे भी ऊपर भी है, तो किस तरह से आपने सोचा कि इस तरह की थीम होनी चाहिए इसकी? ये तो बॉसिस का है, हमारा प्लान है और उन्हीं का ही डिज़ाइन है, उन्हीं का पर्सनल डिज़ाइन है, तो ये वो ज़्यादा बेहतर कहेंगे इस बारे में। बिल्कुल। तो सिटिंग एरिया कौन कौन से आपके पास मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट में? हमारे पास आउटडोर मौजूद है इस टाइम पे, और इंडोर मौजूद है, और रूफ टॉप मौजूद है हमारे पास। अच्छा अरसलान भाई, अपनी जो लोकेशन है और जो एड्रेस है वो हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, लोग किस तरह से आएंगे आपके पास? एड्रेस का मैं आपको ये बताता हूँ कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में हमारा ये कैफे वाक़ है, प्लॉट नंबर 1C102, ब्लॉक 4, गुलशन इकबाल, नियर डिस्को बेकरी डिस्कवरी मार्ट, नियर है हमारे बिल्कुल बैक साइड पर। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी इजी एड्रेस है। और उसके अलावा जो इनका कंप्लीट एड्रेस, लोकेशन का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ताकि आप लोग यहाँ पे ईजिली पहुँच सके। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं पूछना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट का एम्बियंस हो गया, रेस्टोरेंट का एड्रेस हो गया, जो आपके पास फूड है वो कौन सी मिलती है और किस टाइप के आइटम होते हैं वो मुझे उसके बारे में बताएं। सर, फूड का ये है कि मैं आपको डायरेक्ट शेफ से मुलाकात कराता हूँ, वो आपको बेटर बताएंगे। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शेफ एहसन। शेफ एहसन जी, तो आप इधर हेड शेफ हैं कैफे जी? कैफे हवाई का हेड शेफ मैं हूँ। ठीक है, तो थोड़े से अपनी गाइड करें हमें कि जब लोग इधर आएंगे इस रेस्टोरेंट में कैफे हवाई में, तो उनको बेस्ट फूड कौन कौन से मिलेगी, किस टाइप के फूड आइटम मिलते हैं यहाँ पे? माशाल्लाह, हमारे पास जो गुलशन में कॉन्टीनेंटल जो है ना बहुत कम है, तो यहाँ पे हमारे कैफे हवाई में कॉन्टीनेंटल फूड और इटालियन फास्ट फूड, चाइनीज, माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा है, बहुत लोग आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे फीडबैक हैं, बहुत अच्छा खाना है, प्रेजेंटेशन है हमारी। मतलब दोस्तों, आपको यहाँ पे हर किस्म की फूड्स आइटम मिल जाएंगे, जिसमें कॉन्टिनेंटल, इटालियन, हर किस्म के फूड आइटम है। मुझे पता है कि स्पेशलिटी क्या है, अगर कोई न्यू बंदा आता है तो उसको क्या ऑर्डर करना चाहिए आपके पास आके? हमारे पास पास्ताज में भी स्पेशल है, मेरा जो शेफ एहसन पास्ता है वो हमारा स्पेशल है। अच्छा, वो आपके नाम से? जी जी। उसके बाद अल्फाडो पास्ता है हमारा, कैजन स्पाइस पास्ता है, वो बहुत मज़ेदार है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लाइक करते हैं लोग। उसके बाद हमारा स्टेक है, बीफ स्टेक में हमारे पास डबल टेकर स्टेक है। अच्छा, वो बड़ा अच्छा है। और उसके बाद अभी हमारे पास जो अभी न्यू हम लॉन्च कर रहे हैं, एंट्रेकोट कैफे हवाई दी पेरिस। अच्छा जी, ये माशाल्लाह टेबल टॉक कुकिंग स्टेक है, गेस्ट खुद जो है ना टेबल पर कुक करेगा सारी चीज़ें, और मकसद मीडियम वेल चाहिए उसको, वेल्डन चाहिए, अपनी मर्जी का वो कुकिंग करके वो कर सकते हैं। जिस तरह के हम लाइव कुकिंग करते हैं टेबल पे बैठ के, तो जैसे कोरिया में और इटालियन फूड जिस तरह सर्व की जाती है तुर्की के रेस्टोरेंट्स में भी, तो उस तरह का माहौल हमें इधर मिलने वाला है। जी जी बिल्कुल, श्योर, आपको अभी हम ट्राई करवाते हैं भाई। जबरदस्त, मैं तो यही वाला फूड जो आइटम है वो ऑर्डर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स से दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से लाइव कुकिंग करेंगे और उसका टेस्ट फिर क्या होने वाला है जब आप अपनी मर्जी से बनाएंगे। कमाल भाई, अभी आपके लिए टेबल हमने रेडी करवा दी है, माशाल्लाह स्टेक जो है ना आप बिल्कुल बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, और अभी हम आपको ट्राई कराएंगे बना के, आप खुद भी बनाएंगे। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है, मैं कराची के किसी रेस्टोरेंट में फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, तो शेफ सबसे पहले आप क्या जा रहे हैं इसमें? सबसे पहले हम इस पर बटर डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद? अच्छा, बटर की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है, जिस तरह से सिजलिंग कर रहे हैं ना, ज़बरदस्त जी। और ये आ गया अब हमारा इसके ऊपर बीफ स्टेक। तो अभी आप मुझे ये बताएं इसका टेम्परेचर कौन सा चाहिए आपको, मीडियम वेल या वेल्डन? मैं वेल्डन चाहूँगा इसको।
ओके ओके। अजय सर एक और बात बताएं, जो बीफ का पीस है ये कौन से पार्ट है? ये बीफ अंडर कट अंडरलाइन स्टेक होता है, ये जो बेसिकली होता है स्टेक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, जो बेस स्टेक बनता है वो अंडर कट बीफ में ही बनता है जी। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात है आप इसको जितना डन करना चाहें आप अपनी मर्जी से खुद कर सकते हैं अपने सामने। यहाँ पे एक और अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी कि बिल्कुल आपके सामने बन रहा है, आप अपनी मर्जी से इसको तैयार कर सकते हैं। गर्मा गर्म खाने की जो खुशबू होती है जो आप खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी, तो बड़ी जबरदस्त मजा आने वाला है। ये हमारा मशरूम सॉस है और है। ये क्रीमी स्पिनिश सॉस है, तो ये भी आप ट्राई करें। पहले मैं डायरेक्ट स्टेक का ही टेस्ट करना चाहूँगा, आप ऐड कर दें जी जी। ये मशरूम, ये हमारा क्रीमी स्पिनिश, जबरदस्त। अभी मैंने जो डायरेक्ट बिना किसी सॉस से स्टेक का जो इनका बीफ का अंडरकट का बीफ का पीस है उसको ही मैंने टेस्ट करा, क्या जूस है, क्या उसके जो जबरदस्त फ्लेवर है उसके अंदर तक रचा बसा हुआ है वो मुझे आया पहली ही बाइट में। इतना जबरदस्त फ्लेवर आया शेफ, मान गया मैं आपके हाथ के टेस्ट को। अच्छा, मैं सॉस के साथ लेना चाहूँगा, आपने सॉस के कौन कौन से नाम बताया था? ये हमारा जो मशरूम सॉस है क्रीमी मशरूम सॉस इसके साथ होता है, और ये क्रीमी स्पिनिच होता है, ठीक है, और उसके अलावा ये हमारे पास बटर होता है, हब बटर्स होते हैं हमारे पास, इसके साथ हम लोग सर्व करते हैं। आउट क्लास। अच्छा, मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा, जब तक आप यहाँ पे बैठना चाहें फुल टाइम यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है और जो इसकी स्पेशलिटी है जिस तरह से आप इसको खुद कुक करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा और यूनिक लगा। तो फ्रेंड, हमारा बीफ स्टेक तो हो गया, अब हम आउटसाइड पे आ गए। हमने एक और चीज़ का ऑर्डर दिया था जिसका नाम है एलोपिनोस चिकन, ये आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म से, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ में हमने ड्रिंक्स मंगवाए जो कि इनके बहुत ही फेमस मॉकटेल्स यहाँ पे मौजूद है, जिसमें जॉनी रॉकेट है और फूड पंच के नाम से काफ़ी अच्छा स्मोकी वाला ड्रिंक है ये। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये एलोपिनोस चिकन टेस्ट करके बताता हूँ और आपको बताऊँगा इसका जायका मुझे कैसा लगा। सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन के फुल मार्क्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक फ्रूट को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, उसको किस तरह से उसकी लुक आनी चाहिए वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से करा जाता है। तो आप टेस्ट करते हैं और आपको बताऊँगा ओरिजिनल इसका टेस्ट करते हैं। तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ कैफे हवाई के ओवरऑल इसके एलोपिनोस चिकन के टेस्ट के बारे में बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है। जो चिकन है काफ़ी टेंडर जूसी सी और काफ़ी सॉफ्ट है, और उसके अलावा जो इसके स्पाइसेस हैं वो जो इसकी सॉस है एलोपिनोस स्पेशल सॉस बहुत ही क्रीमी बहुत फ्लेवरफुल है, और जब आप इसको खाएंगे इस चिकन के साथ तो काफ़ी अच्छे आपके मुँह में जायकों के ब्लास्ट होंगे, तो मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये इसका फ्लेवर है। तो जनाब, अब मैं आ चुका हूँ कैफे हवाई की रूफ टॉप पर, और यहाँ का एम्बियंस देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। मतलब जिस तरह से आपको पता है कराची में कितनी शदीद गर्मियाँ चल रही हैं, अगर आप शाम के टाइम पे या रात में भी इनकी रूफ टॉप पे आके बैठेंगे तो ना सिर्फ आपको इनके एम्बियंस का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बल्कि आप अपनी फूड को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह, मैं तो दिल खुश हो गया यहाँ पर कैफे हवाई के इतने समय से एम्बियंस में और इनके सिटिंग एरिया की रूफ टॉप पे आके। मैंने सोचा जिस तरह से हम इनकी जो फूड आइटम है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, तो इनकी जो लोकेशन है वो भी अलग अलग ट्राई करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ा हो कि इनके फूड आइटम कैसे हैं और इनका एम्बियंस कैसे है और सिटिंग एरिया कैसे है। तो जैसा कि आप देखते हैं बिल्कुल ह्यूज और जंबो साइज का मैंने इनका एक बर्गर ऑर्डर किया है जिसका नाम है बुम्बस्टिक बर्गर, जो कि फुल लावा वाला बर्गर है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लावा सॉस और चीज सॉस निकलती है, तो भाई देख सकते हैं मैंने इससे पहले किसी रेस्टोरेंट में इतने जंबो साइज का बर्गर नहीं देखा। तो बिना रुके इसका भी टेस्ट करता हूँ और आपको बता रहा हूँ बर्गर का टेस्ट कैसा है। आउट क्लास टेस्ट कैफे भाई का ये बुम्बस्टिक बर्गर वाकई में ब्लास्ट करता है जायकों का आपके मुंह में, क्योंकि इस तरह से चिकन का फ्लेवर होता है उसके अंदर इन्होंने जितनी भी फिलिंग्स करी जिसमें कुछ वेजिटेबल है जिसमें एलोपिनोस वगैरह हैं, लेकिन साथ में चीज़ बहुत अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने ऐड करी है और उसके ऊपर क्रिस्पी और कंची जो कोटिंग है वो, और साथ में जो इनकी सीक्रेट सॉस है वो, और जो इनका बंद है वो इतना सॉफ्ट और बिल्कुल फ्रेशली इन्होंने यूज़ करा है। तो ये आपस में सब आइटम सब प्रोडक्ट आपस में मिलके इतना अच्छा निकल के आता है कि मुझे वाकई में बहुत मज़ा है कैफे हवाई के इस बुम्बस्टिक बर्गर को भी खा के और जितने भी हमने बीफ स्टेक और एलोपिनोस चिकन ट्राई करी थी उसको खा के। मैं तो यही बोलूँगा कि डेफिनेटली आपको कैफे हवाई में लाजमी आना चाहिए अगर आप शौकीन हैं एक अच्छे और बेहतरीन किस्म के खानों के और टेस्ट के, तो लाजमी यहाँ पर आएँ, इनके एम्बियंस को भी इंजॉय करें, सिटिंग एरिया को भी इंजॉय करें और इनकी फूड को भी इंजॉय करें। तो फिर मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी जबरदस्त किस्म के फूड आइटम और व्लॉग लेकर आता रहूं। तो आज के व्लॉग के दरमियान करते हैं, चलते हैं क्लब पे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।